वो भी आप रेफर कर सकते हो। वो ये बुक का मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, ये मुझे बुक का मुझे तो लगता है आइडिया इतना यूज नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो चलेगा, टाइम भी बहुत क्या वेस्ट होता है। के लिए जो मैंने किया था वो बताऊंगा कि आर्किटेक्चर का फिल्म्स के लिए तो आर्किटेक्चर के चैनल वो पढ़ी थी, और दूसरा पढ़ा था नितिन सिंघानिया का पूरा बुक पढ़ा था, मतलब जो मेजर टॉपिक्स वही जो हमारे सिलेबस में दिया आर्किटेक्चर, दूसरा था लिटरेचर और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, तो उसमें भी प्रायोरिटाइज कर लो कि किस कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस रहेगा, फिर उसके बाद म्यूजिक रहेगा, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट वो नहीं पढ़े तो भी चलते हैं, जैसे पोपिट्री वगैरह हो गया तो उसमें तो शायद ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पेंटिंग्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से फिर टॉपिक वाइज वो भी पढ़ो आर्ट एंड कल्चर जो है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने खुद के मेरे नोट्स बना लेते आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, तो एक बार मैंने नोट्स बना लिया तो उसके बाद फिर कोई उसके बाद रेफर नहीं किया, तो आप भी वैसे करो। और मैथ्स के लिए मैंने हिस्ट्री के नोट्स पढ़े थे मुझे क्लासेस में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे आर्ट एंड कल्चर और इसके लिए। आपको पता चलता है कि 5-6 साल क्वेश्चन रहेगा, ये देखो ये आपको पहले तो एक जो है टाइम मैनेजमेंट ये तो मतलब पता कि नहीं आएगा, ये तो पहले आएगा आपको प्रैक्टिस आएगा, जितना आप इधर प्रैक्टिस करोगे उतना जो है उधर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरी चीज मैं बताऊंगा मेरी खुद की कि जो लास्ट ईयर था जो मैंने पेपर लिखा था पेपर वन का जो ये था हिस्ट्री या फिर जोग्राफी जो हमारे पेपर वन जीएस का जो पार्ट है, तो मेरी ऐसी आदत थी कि मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट का क्वेश्चन लिखता था, मतलब पहले से शुरू किया और 20 पे खत्म किया, तो ऐसा मेरा अप्रोच था। तो क्या हुआ कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया था ज्योग्राफी का तो वो लास्ट में आता था, और मैंने जब पहले हिस्ट्री का शुरू में पहले तो आर्ट एंड कल्चर ही आता है जिसका बहुत सारे लोग मतलब डरे हुए रहते हैं आर्किटेक्चर को देख के, तो जो पहले दो क्वेश्चन थे तो उसमें से मुझे मतलब 10-10 मिनट दोनों में लग गए, फिर उसके बाद हिस्ट्री का शुरू किया, तो हिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि जो हिस्ट्री आपको थोड़ा थोड़ी याद करनी पड़ती है, उसको फिर आंसर बनाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको खुद स्टोरी लिखना है ना, आपको उधर आंसर बनाना पड़ता है, तो उसमें भी मेरा खुद का टाइम जाता था। तो फिर क्या हुआ कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे तो मुझे इजी लगते थे, जैसे जो फ्लड्स इन सिटीज तो उसके रीजन सीखने थे, सोल्यूशन सीखने थे, मतलब जो कि इतने मुझे डिफिकल्ट नहीं लगते थे, लेकिन फिर क्या हुआ मैंने क्वेश्चन देखे कुछ तो हो गया, लेकिन फिर घर का टाइम देखा तो वापस फिर से थोड़ा दुखी हो गया, तो फिर जो टाइम मैनेजमेंट था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब जिसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता था तो वहाँ पे मैंने मतलब इतना टाइम दिया नहीं, तो इसलिए फिर जो क्वालिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। पहले तो मैंने बहुत अच्छा लिखा, हैंडराइटिंग भी अच्छी रहती है तो सब पॉइंट वाइज लिखा, लेकिन फिर उसमें सोचने में टाइम चला गया जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, तो फिर इस अटेम्प्ट में थोड़ा मैंने सोचा कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो पहले उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं ज्योग्राफी के आंसर्स लिखता हूँ तो उसमें टाइम कम लगता है, पहली बात तो ये, मतलब कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें सीधा इंट्रोडक्शन जो रहेगा डायग्राम वगैरह उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी पहले, तो फिर वो जो क्वेश्चन थे मैं अच्छे से लिख पाता था, तो फिर मैंने सिर्फ अप्रोच चेंज किया सर, मतलब पढ़ाई तो वही थी सिर्फ अप्रोच चेंज किया, तो मार्क्स में फिर डिफरेंस आया, पहले जो था जो 102 मार्क्स थे शायद, और फिर इस अटेम्प्ट में 119 आए सिर्फ अप्रोच चेंज करने से, तो पहले जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे मैंने वो मार्क कर लिया और वो लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद हिस्ट्री उसके बाद सोसाइटी, तो उससे क्या हुआ जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उस पर टाइम कम लगा और अच्छे से भी लिख पाया, और फिर बाद में जो मुझे हिस्ट्री उसको टाइम मिला तो उसमें फिर मैंने उसको तो कैपिटलाइज किया हिस्ट्री के जो आंसर्स थे उस पर भी अच्छे से लिखे, तो ये होता है कि फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा हिस्ट्री मुझे डिफिकल्ट जाता था तो आपको भी वैसे ही होगा, तो आप अपना स्ट्रॉन्ग एरियाज देखो, आपको अगर हिस्ट्री के आंसर्स अच्छे से लिखने आते हो तो आप पहले वो आंसर्स लिखो, बाद में फिर ज्योग्राफी अगर डिफिकल्ट लगता है तो ज्योग्राफी बाद में लिखो, तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर पहला क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं तो शुरू में एकदम थोड़ा इनर्शिया रहता है कि आंसर राइटिंग का, वो तो हमेशा मतलब जब तक आप क्लियर होते हो तो तब तक रहता ही कि हम आंसर कैसे लिखे आपने, तो उसकी वजह से टाइम लगता है, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे आते हो तो शायद वो टाइम आपका बच जाता है, तो फिर मैंने हर एक स्लैब मतलब हर एक पेपर का भी सेट कर लिया था कि पेपर वन का ज्योग्राफी पहले, पेपर टू का रहेगा आया पहले जाया मुझे अच्छा लगता था, फिर पेपर थ्री का जाएगा सिक्योरिटी टॉपिक जो था वो मैंने पहले लिखा था, और पेपर फोर का पहले कैसे उसके बाद जो है 10 मार्क्स जो क्वेश्चन थे, तो
वैसा मैंने अप्रोच कर रहा, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा थोड़ा तो था वो इम्प्रूवमेंट भी बढ़ा, मतलब क्वालिटी भी बढ़ी मेरे आंसर्स की, उसकी वजह से फिर मार्क्स भी बढ़े। वैसे रहता है सोसाइटी के लिए जो सिलेबस है वो मार्केट में से बुक्स देखते हैं सोसाइटी, वो सोशियोलॉजी ओरिएंटेड बुक्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जनरल टाइप के होते हैं। वो बुक का कुछ तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, मतलब बाहर जाके नहीं तो खुद से, मतलब सोच के जो है, मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज क्या है, पहले तो आपको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो क्या होता है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज ड्यू टू सम रीजंस, कुछ ना कुछ रीजन है उसकी वजह से वो आ रहे हैं इधर, है ना, रूरल एरिया से अर्बन एरिया, दैट इज अर्बनाइजेशन सिंपल टर्म्स। तो फिर उसके रीजन, तो उसमें आएंगे कुछ फैक्टर कुछ फैक्टर्स, तो वो आप लिख लो चार चार पाँच पाँच। उसके बाद रहेंगे तो उसका इश्यूज क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स एडवांटेजेस भी रहेंगे और सम एरियाज और प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, तो वो दोनों में भी लिख लो प्रॉब्लम्स क्या है और एडवांटेजेस भी, मतलब फायदा भी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान ही है, तो आपको दूसरा एंगल भी कवर करना है, दूसरा एंगल भी लिख लिया। उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तो वो भी आपको लिखना है, फिर उसके उसके लिए फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन करके, या फिर आपको या फिर जो अलग अलग सिटीज है उनके लिए कुछ पैकेज वगैरह दिया है क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऐसा कुछ है कि, तो आपको देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उसके बाद फिर दूसरे कोई सॉल्यूशंस हो गए तो वो भी आपको लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन, एक बार ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मतलब आपका पक्का हो गया तो आप कहीं से भी पढ़ो, बड़ी बुक लो या फिर इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट से पढ़ो किसी डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट से पढ़ो, आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब चीज़ क्या है, आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का हो गया, ग्लोबलाइजेशन का आपको सिर्फ मीनिंग पता करना है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद देखना है क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी ऐसा दे होती है, तो इंडियन सोसाइटी में कौन से पार्ट्स आते हैं, सेक्शन कौन से आते हैं, तो पहले इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज, तो ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट कभी कभी आता है, तो आप जो एरियाज है तो उस पर इम्पैक्ट आप पता कर लो, फिर इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बाद जो रहेगा सोल्यूशन लिख दो अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो, मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे नोट बना रहे हो वैसे उधर जाकर लिखो, ऐसा नहीं, आप सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए लिखते हो आपका नॉलेज बिल्डअप करने के लिए, और एक जो है मतलब सिस्टमैटिक जो बनाना है हमको हमारे नोट्स, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कैसे आप जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वही कॉपी आंसर्स में करना है, आंसर की पहले कमांड देखो कि क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट्स उसमें ऐड करो, तो ऐसा आप सोसाइटी का प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब उसके लिए ऐसा कोई बड़ी बुक जो रहती है क्या राम होगा करके, तो वो बुक ज़्यादा जो मेट्रोपोलिटन सिटीज में बच्चे रहते तो उनको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, बारे में शायद इतना पता नहीं था, लेकिन अगर बींग मतलब रूरल बैकग्राउंड से आके हमारा थोड़ा एडवांटेज रहता है कि हमको वो चीज़ें पहले से पता होती थोड़ी थोड़ी मतलब रहे ना, लेकिन हमको एटलीस्ट आइडिया तो रहती है ऐसे ऐसे इश्यूज रहते हैं हमारे सोसाइटी में, तो उसके लिए फिर इंटरनेट से फिर वो डायरेक्ट टॉपिक भी सर्च कर सकते हो, या फिर जो मैगजीन्स आते हैं तो मैगजीन्स में भी आप देख सकते हो वो इश्यूज, और एलेवन की मतलब ट्वेल्थ की एग्जाम आती है सोसाइटी, तो उसमें भी आपको जो है वो दिया है ना पॉइंट्स। इथिक्स का केस स्टडी, हाँ इथिक्स का जब वो पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादातर टाइम हमारा होता है बुक रीडिंग में होता है ना, इथिक्स को ऐसा ज़्यादा बहुत सारे बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ ली और हम इथिकल हो गए या अच्छे इथिक्स के आंसर लिखने लगे तो ऐसा नहीं होता है। इथिक्स का पहले तो है हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई मतलब इथिक्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट डे टू डे मैटर्स, मतलब डे टू डे लाइफ में हम कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि हैप्पीनेस मतलब व्हाट इज हैप्पीनेस, और मतलब दिन में हैप्पी रहने के लिए आप क्या क्या करते हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है ना। उसके लिए आपको कोई भी बड़ी बुक पढ़ के कितना भी हैप्पीनेस आपको बता दे, और ज़्यादातर ऐसे लोग बुक लिखते हैं हैप्पीनेस के बारे में जो कम हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो भी सोचा रहता है कि हैप्पी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो फिर उससे अच्छा है हम खुद से हमको आंसर्स जो है वो प्रिपेयर करके रखें, फिर उसके लिए फिर पहले तो प्रैक्टिस लगता है, मतलब 10-10 मार्क्स रहेगा या केस स्टडीज रहेगा, और केस स्टडीज कितना है मतलब जो अराउंड 20 मार्क्स की केस स्टडीज आती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, हम ज़्यादा फोकस क्या करते हैं 10 मार्क्स पे और उस पर ज़्यादा पढ़ते हैं, और तेरे मतलब केस स्टडीज का जो प्रैक्टिस है तो हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो इसलिए पहले जो है इथिक्स का तो केस स्टडीज से प्रैक्टिस करना शुरू करो हर रोज़, या फिर 2-3 दिन बाद एक या दो केस स्टडीज की राइटिंग जो है हमको करनी चाहिए,
जब हम करते हैं कैसे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं कि चार ऑप्शन बताओ और वो इवैल्यूएट करने होते हैं या फिर मेरिट डिमेरिट लिखना होता है और उसमें से बेस्ट चूज करना होता है कि नहीं इजी काम है। मतलब ये प्रॉब्लम ढूंढने में तो आप इंडियंस बहुत आगे रहते हैं ना, तो वो वही ऑप्शन सोल्यूशन देने में भी आगे रहते हैं, तो वही आपको करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे वो या फिर किसी का इंजीनियर बना देंगे और उसको आपको ऑप्शन पूछेंगे, तो ऑप्शन में तो बहुत सारे ऑप्शन जो कॉमन ही रहते हैं, एक तो जो रिटर्न प्रपोजल रिटाई कर दो या फिर सीनियर को रेफर करो या फिर एक्सेप्ट कर लो या फिर उसमें डिस्कस वगैरह करके जो इशू थे वो अच्छे से डिस्कस करके फिर बाद में जो एक्शन रहेगी या फिर कमिटी भी करो, ये चार ऑप्शन रहेंगे और चार में से आपको बेस्ट भी पता होता है कि कौन सा बेस्ट होता है ना। और ये ज़्यादातर यही लिखते हैं सब, लेकिन मार्क्स कहाँ आएंगे स्टडीज में? पहला मुझे लगता है हर एक का अलग अलग होगा कि जिसमें अगर केस स्टडीज में आपसे मार्क्स लाने होंगे तो पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो केस स्टडीज है उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना पड़ेगा। केस स्टडीज में जो जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो लिखो, नहीं तो फिर अगर कोई वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होती है तो वो लिखो, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्सेस अपना जो नॉर्मल जो रहेगा पॉलिटिकल गवर्नेंस या इथिक्स, तो उसका ये दो वैल्यूज इधर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ऐसा आप लिख सकते हो। फिर उसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए तो इंट्रोडक्शन में लिख दो आपका आपका व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन पे अगर कोई केस स्टडी आती है तो आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो आप पहले से आपका जो मतलब स्टैंड है तो पहले से ही क्लियर कर दो तो उनको भी पढ़ने में फिर समझ आएगा कि आपको क्या कहना चाहते हो आप। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं इथिक्स में और बाद में वही कंक्लूजन पे आते नहीं है, तो फिर एग्जामिनर चेक करते करते फिर वो थ्री इडियट्स वाला क्वेश्चन पूछते कि भाई कहना क्या चाहते हो तो वैसे भी हो सकता है। तो पहले से आपका स्टैंड है, यू मेक इट क्लियर कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर वो इंट्रोडक्शन करने के बाद डायरेक्टली हमको जो हमारे क्वेश्चन आपको पूछा है तो क्वेश्चन पे आना है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप डायरेक्टली वो लिख सकते हो कि ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर, ज़्यादा भी लिखते नहीं, ज़्यादा भी ऑप्शन उसको देते नहीं, कम से कम तीन या मैक्सिमम चार, क्योंकि जहाँ हमको ऑलरेडी उन्होंने ऑप्शन दिए रहते हैं तो ज़्यादातर वो चार ही ऑप्शन रहते हैं, तो हमको जब भी पूछा है तो उतना तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि एटलीस्ट आप मैक्सिमम चार ऑप्शन जो है वो लिख पाओ, तो वो चार ऑप्शन लिखो तो उसको अच्छे से इवेल्युएट जब बोला है तभी इवेल्युएट करो, मतलब दोनों मतलब प्रोस कौन से लिखना है लेकिन अच्छे से फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो। मेरिट डिमेरिट पूछा है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि मेरिट वन टू या फिर डिमेरिट वन टू, तो ऐसा करके आप पॉइंट फॉरवर्ड में वो लिख सकते हो। अलग अलग अप्रोच होते हैं केस स्टडी का, एक क्वालिटी ऐसा है कि आप केस स्टडीज एन नंबर ऑफ वेज वो लिख सकते हो, तो आपने खुद की मतलब ये बनाओ स्ट्रेटेजी केस स्टडीज कैसे लिखनी, तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो मेरिट डिमेरिट लिख लिया सब लिख लिया वो तो पॉइंट है मेजर वाला मिडल वाला तो ज़्यादातर कॉमन ही रहता है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होता एक्सपेरेंट सीरियस जो एक्सपेरेंट्स रहते हैं, तो फिर बाद में और अगर चेंज कहाँ पाएगा जब आप सिलेक्ट करते हो बेस्ट वो भी सिलेक्ट बेस्ट जो रहता है वो भी ज़्यादातर कॉमन ही रहता है, कोई ऐसे बोलेगा नहीं रिजेक्ट कर दो है ना, तो वो तो डिस्कस करके वो सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो सिलेक्ट करने के बाद उसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करने लगे कि ऐसी चीज़ें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फिर भी इसके मिनिमम जो है वो डिसएडवांटेजेस है इसलिए मैंने सिलेक्ट किया, और दूसरा एक वे आप लिख रहे हो कि कोई इथिकल थ्योरी उसको लेके अगर आप एक्सप्लेन करते हो कि डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है कि मींस आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्या और मींस आर इंपॉर्टेंट एज एज तो ऐसे डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी, तो आप अगर उसका रेफरेंस दे दो कि डियोन्टोलॉजिकल ने बोला है कि मींस आर इंपॉर्टेंट तो आपको मींस भी देखने चाहिए, या फिर गांधी जी ने भी बोला है कि मींस का इंपॉर्टेंट है तो गांधी जी का भी रेफरेंस दे सकते हो, या फिर वायलेंस पे रहेगा तो गांधी जी मंडेला ऐसे ऐसे लीडर्स है तो उनको सब मतलब उनको लेके हमको हमारे वहाँ से वो सबसे सेट अप कर सकते हो, क्योंकि हमको है ना वो जस्टिफाई करने वाले अगर हमको भी पूछा है, लेकिन आप अगर किसी का रेफरेंस देते हो इन्होंने बोला है इसलिए फिर ये ऑप्शन चूज करना बेटर रहेगा, तो सामने वाले पे थोड़ा बर्डन आ जाता है कितने बड़े लोगों का नाम लिया है तो कुछ ना कुछ तो सही लिखा होगा मैंने मन का लिखा नहीं, तो फिर जैसे यूटिलिटेरियन थ्योरी ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो फिर वो भी आप यूज कर सकते हो ऐसे थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम कोई रैंडम थ्योरी ले ली जो कि इतना रिलेवेंट नहीं है आंसर को, रिलेवेंट कोई भी टर्म और उधर जो है अपने आंसर को सब्सटिट्यूट करो, अलग अलग पेज ऑल इंडिया रैंक जो थे गौरव अग्रवाल तो वो ऐसा करते थे, तो मैंने उनकी जो आंसर थे पढ़े थे और मैंने भी फिर वैसा करना शुरू कर दिया था बाद में, तो उससे मुझे फायदा हुआ है इसको भी, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आपने जो आपका करंट अभी काम लगा है तो उसका सिलेबस और
पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत ओवर है 30% एंथ्रो का पॉलिटिकल साइंस हां सोशियोलॉजी का होता है तो फिर आपने उसको कैसे मतलब देखो मतलब कोई भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना होगा तो तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो थी स्कोरिंग है ना, कोई भी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपने कोई भी ऑप्शन उठा लिया, जैसे मैंने उठाया था, मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरा जो पबैट मैंने लिया था तो इसीलिए लिया था कि मेरे दोस्त ने लिया था, साथ में फिर पढ़े अच्छे से हो पाए हमारे, तो ऐसे क्राइटेरिया मतलब को रैंडम। तो फिर पहला एक क्राइटेरिया स्कोरिंग भी होना चाहिए, मतलब तीन चार साल में आपको सॉफ्टवेयर का स्कोर कैसे आ रहा है। तो आपको अगर किसी ऑप्शन लगता है कि देना चाहिए तो पहले आपको जो सीनियर से जिन्होंने मेंस वगैरह दिया होगा या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनको आप पहले कंसल्ट करते हो कि सर मैं ये ऑप्शन लेने का सोच रहा हूँ तो इसमें स्कोर्स कैसे आ रहे हैं लास्ट दो तीन साल से, तो ये आप पूछ सकते हो। इतना प्रेडिक्ट भी मत करो कि बच्चे मार्क्स आ रहे हैं तो अगले साल जाएगा ही जाएगा, वैसे भी मत करो, लेकिन जो ट्रेंड जो रहता है दो तीन साल का तो उससे पता चल जाता है एक ऑप्शन के बारे में। पहला तो वो क्राइटेरिया देख लो, दूसरा जो है जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, वो दोनों चीज़ें आप में होनी चाहिए। अगर ऑप्शनल आप फॉर एग्जांपल मेरा खुद का मैकेनिकल बैकग्राउंड था तो मेरा एप्टीट्यूड तो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मतलब स्कोर वगैरह अच्छा था, लेकिन दूसरा चीज़ जो थी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 4 साल में मेरा खत्म हो गया था मैकेनिकल, तो इसलिए फिर मैंने वो चूज़ नहीं किया। तो मुझे लगा था कि ह्यूमैनिटीज जो है वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है हम लोगों को एक अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो क्यों ना ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट देखा जाए। तो दो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, हिस्ट्री तो स्कूल टाइम में मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं था हिस्ट्री का, क्योंकि वो ये सब बोरिंग सब वो बता रहता था, बोरिंग लगता था। तो अगर मैंने हिस्ट्री अगर लिया होता शुरू में तो हमको ऑप्शन जो है वो 1.5 साल तो भी पढ़ना पड़ता है ना पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होने तक, तो इतना अगर तो सिलेबस भी बहुत रहता है लगभग, मतलब आप पी एच डी कर लोगे इतना आपका सिलेबस रहता है हर एक ऑप्शन का, तो हर मतलब एंड तक आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहना चाहिए ऑप्शन में। तो इंटरेस्ट भी देखते हैं, इंटरेस्ट डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे मेरा हिस्ट्री में बात होगा क्योंकि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस रहती है स्कूल में इतनी रहती नहीं, लेकिन आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें भी उसको लिंक करते हो, है ना, तो हिस्ट्री का इंटरेस्ट बाद में भी डेवलप हो, लेकिन शुरू शुरू में जो इंटरेस्ट है वो आना चाहिए ऑप्शन पढ़ने में, तो इंटरेस्ट भी देखो। फिर नेक्स्ट आएगा आपका सीनियर गाइडेंस रहेगा या फिर कोचिंग रहेगा या फिर मटेरियल अवेलेबिलिटी, तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो रहनी चाहिए। जैसे एंथ्रो में मेरे लिए दो थी, सीनियर का गाइडेंस भी था जो मेरे मतलब फ्रेंड्स थे सीनियर्स, तो उनने मैं एंथ्रो लिया था, मेडिकल बैकग्राउंड था और उनका स्कोर भी अच्छा था, और दूसरा था मटेरियल अवेलेबिलिटी, मटेरियल भी अवेलेबल था, तो इसलिए फिर मैंने बताओ कोचिंग मुझे नहीं लगाई थी ऑप्शन की, लेकिन कोचिंग लगा सकते हो तो लगाओ, मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग लगानी ही नहीं चाहिए या फिर लगानी ही चाहिए, दोनों भी एक सीट नहीं, आप अपने हिसाब से मतलब अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपको देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने में, तो आप ये ध्यान में रखो कोई चीज़ें होगी तो सर इनपुट देखिए बाद में। वैसे जोग्राफी ऑप्शन ले जीएस, जीएस ना जोग्राफी जीएस का तो मतलब मतलब किसी मतलब एनसीईआरटी अगर सीनियर लोग बोलते हैं आपको एनसीईआरटी बोर्ड, अगर कोई किसी एनसीईआरटी का अगर रिलेवेंस ज़्यादा होगा तो जोग्राफी का ज़्यादा है, तो एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से पढ़ो, मतलब ऐसे भी नहीं कि पूरे 6th से लेकर 12th तक आप पढ़ी रहे हो पहले से लेकर लास्ट तक, उसमें भी आपको टॉपिक से देखना है, पहले आपका सिलेबस देखो कौन से एरियाज उन्होंने मेंशन किए, तो उसके हिसाब से भी पहले अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी का आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो पहले वाले एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो, फिर 10th, 11th, 12th की जो मेजर एनसीईआरटीज है तो आप डायरेक्टली पढ़ो, फिर उसमें फंडामेंटल फिजिकल रहेगा, इकोनॉमिक का भी पार्ट है ना, इकोनॉमी एंड सोशल, हाँ सोशल इकोनॉमिक तो वो है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से वो ऐसे ऐसे इशू जो है वो इशू वाइज आप मतलब टॉपिक वाइज आप ज्योग्राफी का वो प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद जो है जिसी लॉन्ग की एक बुक है तो उसमें आपका जो पार्ट है वो भी ओवरलैपिंग है ही, मतलब जो पहला सेक्शन है लैंड फॉर्म से वो तो वो आप एक साथ ही पढ़ लो एनसीईआरटी के साथ, और दूसरा जो पार्ट है क्लाइमेट का वर्ल्ड का वो अलग से पढ़ो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है तो मैंने उसके लिए मून आदि के वीडियोज देखे थे, तो उसमें फिर क्योंकि वो टॉपिक इतना अच्छा कहीं मिला नहीं मुझे, आपको अगर मिल रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर मैंने वो रेफर किया था, मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ जो मैप्स थे वो बना लेते उसके उससे क्या हुआ कि मैप बनाने की प्रैक्टिस भी हो गई थी मेरी, और फिर रिसोर्सेज का भी पता चल गया रिसोर्सेज, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिक्योरिटी पूरा पता होना चाहिए, एटलीस्ट वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट में कौन सी एरिया में कौन सा मिनरल है इंपॉर्टेंट वो भी एटलीस्ट वो पता होना चाहिए, शायद आयन रिसोर्सेज में पूछा था मेंस में क्वेश्चन कि वर्ल्ड में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर सिलेबस में दिया है ना टॉपिक तो इग्नोर नहीं करना, तो फिर वैसे आप ज्योग्राफी में प्रिपेयर कर करो, और जनरल जो पॉइंट्स है ना वो पहले साइड में निकाल के रखो, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन
तो लोकेशन के लिए 6-7 पॉइंट्स रहते हैं। तो पहला जो रहेगा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, दूसरा रहेगा ट्रांसपोर्ट रहेगा, तीसरा एनर्जी लेबर वाटर अवेलेबिलिटी, और क्या रहेगा मार्केट, 6-7 फैक्टर हो गए ऐसे। फिर कोई भी इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल आपको लोकेट करने का भी, तो फिर क्या रीजन रहेगा रॉ मटेरियल कहाँ पे रहेगा, तो वो देखो जैसे राजस्थान में लाइम स्टोन अवेलेबल है तो वहाँ पे उसकी इंडस्ट्री होगी, तो ऐसे 4-5 पॉइंट लेबर अवेलेबिलिटी रहेगा, फिर मार्केट रहेगा, तो ऐसे पॉइंट जो है वो आप लगा दो बाद में, और बाद में उसके हिसाब से फिर आंसर आपका बन जाता है। मतलब जो क्वेश्चन रहता है वो कोई भी ऐसा आउट ऑफ द ब्लू नहीं रहता, आप कहीं ना कहीं उसको रिलेवेंस जो है वो ला सकते हो। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप बेसिक्स पे जाओ कि इंडस्ट्री के लोकेशन के कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो लिख के आओ, तो उसके हिसाब से भी दो पॉइंट, मतलब आपका आंसर पूरा राउंड तो नहीं होगा ना, लास्ट टाइम मतलब पूरा आंसर स्किप करने से अच्छा आप कुछ ना कुछ लेके आओ उसमें से। तो ऐसा है ज्योग्राफी का भी आप जनरल जो चीज़ है वो आप कर सकते हो, जैसे डिजास्टर का है, डिजास्टर पे दूसरा नाम दिया उन्होंने डेली आंसर राइटिंग तो करनी चाहिए। मतलब अगर आपको मेंस में अगर एक्सेल करना हो, अगर स्कोर आपको कट ऑफ से 100-120 के ऊपर लाना हो, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस जितना आप आंसर राइटिंग करोगे इवेल्यूएट आप खुद भी कर सकते हो, या फिर आपका जो दोस्त है कि जिसकी प्रिपरेशन लेवल आपकी इतनी है आपसे ज़्यादा है तो उनसे भी आप इवेल्यूएशन कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में जाके आपको रिजल्ट करना पड़ेगा, आपका टेस्ट सीरीज लगा लो। मतलब जब आपकी प्रिपरेशन लेवल एक बार ये हो जाए सेट हो जाए तब उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जब आप फ्री देते हो तो उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन डेली आंसर राइटिंग का जो है मतलब आप जब उसमें लगाओगे तो क्लासरूम में तो आप क्या होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे बढ़ाए, मतलब टाइम मैनेजमेंट, तो वो आपके क्लासरूम में जाके होगा। लेकिन आपको अगर क्वालिटी बढ़ानी है आपके आंसर राइटिंग की तो वो डेली आंसर राइटिंग से बढ़ती है। इसलिए फिर डेली 3-4 आंसर शुरू में अगर थोड़ा इधर से आ रहा होगा घूमने हो रहा होगा आंसर देने तो शुरू में पॉइंट निकालना शुरू कर दो, या फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो ट्राई टू राइट विद द सिंपल क्वेश्चंस। मतलब आप खुद क्वेश्चंस बनाओ, कोई आर्टिकल आता है तो व्हाट व्हेन हाउ, जिससे आप क्वेश्चन आपने आपको प्रिपेयर करो और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। तो एक बार आपको लग गया कि मैं आंसर्स थोड़ा ही सही लेकिन लिख पा रहा हूँ, तो फिर जो क्वेश्चन है कोई वेबसाइट पर रहेगा या फिर किसी टेस्ट स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन रहेंगे तो वो उठाओ और वो बाद में लिखना शुरू कर दो, जब जिससे आपका कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस फुल होने से अच्छा उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग इज मस्ट, क्लोज आर्ट एंड डायग्राम्स, उसके लिए मैंने भी जो है वो सेपरेट एक डायरी बनाई थी, तो उसके लिए फिर जैसे लास्ट ईयर एक लो सेवी ग्रेड पे क्वेश्चन था तो मेरे पहले से एक जो थी वो विशेष साइकिल वाली डायग्राम मैंने पहले से बना के रखी थी मेरे नोट्स में, तो मुझे मतलब वो ध्यान में आ गई तभी, तो मैंने पहले उसको डायग्राम को निकाल लिया। जैसे कोई भी लो सेंटीग्रेड का रीजन क्या रहता है कि लो एजुकेशन रहेगा फिर या फिर अनस्किल्ड एजुकेशन, तो उससे क्या होगा लो इनकम से क्या होगा लो सेविंग रेट से क्या होगा लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा पॉवर्टी, तो ऐसा विशेष साइकिल। और उसके साथ ही मैंने बनाया था मेरा वर्चुअल साइकिल, वर्चुअल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर लो एजुकेशन था उसकी जगह पर मैंने एजुकेशन या फिर स्किल्ड एजुकेशन डाल दिया, उसके बाद इनकम बढ़ी, इनकम के बाद तो सिलेबस वही हर एक पॉइंट जो है हर एक पॉइंट लेके हम जैसे जीएस को करते हैं तो एंथ्रो का भी वैसे ही करना है, हर एक पॉइंट लेके इंट्रोडक्शन फिर उसके जो एरियाज है तो वो एक एक एरियाज उसको कवर करना है, उसमें फिर
मेनली क्या है, टेक्नोलॉजी में एग्जाम्पल और केस स्टडीज और डायग्राम्स, इन तीन चीज़ों पे आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज भी एंथ्रोपोलॉजी में मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या ही आप ले पाओगे, तो वैल्यू एडिशन आपको इसमें कर रहे हैं कि आपके डायग्राम्स जो है वो ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें हमारे डायग्राम है कि वो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस कैसे होती है, तो पूरी प्रोसेस की अगर डायग्राम से बना दी एरो वगैरह निकाल के, तो आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो प्रोसेस आप बिना डायग्राम के एक्सप्लेन करोगे वो शायद ही अच्छे से वो समझ पाए या फिर बोर हो जाए एग्जाम्पल, तो उससे अच्छा डायग्राम से वो प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो, है ना, फिर डायग्राम को वो कर सकते हो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स उसमें ऐड करो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, फिर उनके एरियाज लिखो, और फिर एरियाज लिख मतलब प्लांट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स में भी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी कर सकते हैं, तो इन तीनों का एग्जाम्पल दे दो, फिर ह्यूमन बीइंग में भी तीन जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंशन, फिर क्योर, और बाद में डेवलपमेंट के लिए हम जो बोलते हैं कि थ्री पेरेंट बेबी वगैरह ये मतलब फ्यूचर के लिए, तो इन एरियाज पे एक एक एग्जाम्पल उसमें आप पहले से तैयार करके रखो और वो आप एग्जाम में वो कोट करो एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से जितना आप एक्सप्लेन करोगे एंथ्रोपोलॉजी उतना आपका आंसर अच्छा लगेगा, मतलब जब भी आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी लिखोगे कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे तो दोनों को एग्जाम्पल देना है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे किसी ट्राइब का और इंडियन ट्राइब का भी, मतलब ऐसे नहीं कि एक एग्जाम्पल देके आप उधर ही रुके, तो हमेशा ट्राई करो कि वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल तैयार करके रख, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करने हमको, एक एक ही करना है, लेकिन वर्ल्ड का भी और उसके साथ साथ इंडिया का भी, तो ऐसे ही करना है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उससे फिर नोट्स वगैरह बनाओ फिर ये करो, उससे अच्छा क्या है कि नोट्स वगैरह हमें दिया पहले से दिया रहता है कि आंसर का आपको स्ट्रक्चर कैसे रखना है, फिर उसके बाद आप प्रिंट्री या फिर अलग अलग जो बुक्स हैं बारे में दूसरी कौन सी बताई पांडे, तो उसमें से आप ऐड कर सकते हो, पहले जो है इसमें से भी दिया अच्छा दिया है उसने विवेक सर के जो नोट्स है, तो उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी का थ्योरी अच्छे से कवर किया है, लास्ट की दो तीन थ्योरी जो रहेगी सिंपोलिक या वो आप एम्बर एम्बर से पढ़ सकते हो बाद, लेकिन जो बाकी वाली थ्योरी है ना इनफ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम 10, 15 और 20 मार्क के क्वेश्चन उनमें से लिख पाए, तो उसमें से आप सोर्स जो है वो रेफर कर सकते हो और बाद में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, हम तो कभी कभी इंटरनेट से भी थोड़ा बहुत ऐड करते थे सिंबॉलिक और वो जो है ना, तो वो इतनी अच्छी कहीं पर दी नहीं, तो इंटरनेट पर डायरेक्ट डालो सिम्बॉलिक जो थे हमारी, तो वो डालो उससे एक दो मिल जाता है, जैसे कॉकपिट का जो एग्जाम्पल था जो पूछा था, तो वो इंटरनेट पर से हमने पहले देखा था, उसके बाद उधर आया था वो एग्जाम्पल, तो ऐसे भी इंटरनेट हमको जो है वो हेल्प कर सकता है। सर रिपोर्ट पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है सर पूरा हां का, तो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन बहुत सारे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं कि पढ़ना ही चाहिए, तो रिपोर्ट पढ़ो मतलब अगर टाइम है अभी तो पूरा रिपोर्ट पढ़ने में क्या है, लेकिन फिर उसके जो नोट्स है वो अपने लैंग्वेज में बना लो, क्योंकि बाद में अगर पूरा रिपोर्ट पढ़ने बैठोगे मेंस के टाइम में तो बाकी सिलेबस शायद ही आपको कवर कर पाओ, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ा है तो मैंने और नहीं भी पढ़ा तो भी मैं वो काका का रिपोर्ट था वो जो था वो कोड करता था, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए वो रिपोर्ट बना था, ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स कौन से एरियाज में रहेंगे, एजुकेशन हेल्थ फिर लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैं इसी कोड करता था कि काका कमेटी एज रिकमेंडेड फिर एजुकेशन देगा, स्किल एजुकेशन दे दो, हेल्थ करेगा हेल्थ के कंसेप्ट पे, मोबाइल क्लिनिक्स लाओ, तो ऐसे जो जनरल रिकमेंडेशन थे तो मैं काका कमेटी के अंडर लिख देता था, क्योंकि इतना बड़ा रिपोर्ट है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मतलब ऐसे भी नहीं लिखना है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी काका कमेटी ने इतने इतने करोड़ जो है वो ट्राइबल के लेवल, वो गलत हो सकता है, लेकिन फाइनेंस बढ़ाओ क्यों फाइनेंस इंक्रीज करो ऐसा अगर लिखा काका कमेटी तो वो रॉन्ग होगा नहीं जो लिखा है, तो वो जो हमारे काका कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया मतलब उनका नाम और उनका जो है रिकमेंडेशन, एक दो रिकमेंडेशन भी आ गए अगर आपको पता नहीं होगा, लेकिन बेटर अप्रोच जो है वो पढ़ लो पहले, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था लेकिन मुझे पढ़ा नहीं गया वो, तो मैंने ऐसा किया था, जिसमें भी आप ऐसे स्मॉल ट्रिक से वो यूज़ कर सकते हो, जैसे सेकंड ईयर से जो कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, तो आप जनरल रिकमेंडेशन उसमें लिख सकते हो सिविल सर्विसेज के लिए, तो लेकिन ऐसा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन लिखना नहीं, लेकिन एक कोई बोर्ड अगर जो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है सिविल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, अगर आपको उसका नाम नहीं पता होगा
तो आप इसके अंदर मत लिखो सेकंड क्लास के अंदर कि कोई तो रिपोर्ट क्रिएट करने को बोल रहा है। अगर आपको नाम पता होगा तभी आप लिखो, और इसमें मेंशन किया है ये पता होगा तभी लिखो, लेकिन जनरल पॉइंट जो आप लिख सकते हो। सर फर्स्ट जो यूनिट है हमारा फर्स्ट पेपर का ह्यूमन इवोल्यूशन है सर, उसमें बहुत सारे मतलब मेंस आ जाते हैं, तो उनके स्पेसिफिक उनके फीचर्स है अलग, वो मतलब थोड़ा ध्यान में रखना थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे का, वो कैसा कंपैरेटिवली ध्यान में रखा था या कैसा रखा था कंपैरेटिवली? पहले तो मतलब थ्योरेटिकल उसके नोट्स बना लो पहले हर एक मैन वाइज, फिर उसके बाद क्या करो एक बड़ा पेज लो या फिर कोई बड़ा चार्ट आता है, चार्ट पे ना हर एक मैन का पैरेलली लिखते जाओ कि कब उसका ईरा जो रहेगा वो ईरा लिखो, फिर उसके बाद जो पीरियड रहेगा क्लाइमेट का जो पीरियड रहता है हमारा वो लिखो, फिर उसके बाद यूरोपियन जो एग्जाम्पल्स है यूरोपियन एग्जाम्पल्स लिखो, उसके बाद मैप निकालो, मैप के बाद इंडियन एग्जाम्पल, और उसके बाद उसके जो फीचर्स है हर एक मैन के तो फीचर्स मतलब सामने सामने आने चाहिए सब जो जितने मैन हैं तो उनके फीचर्स, और उसके बाद जो है उसका टैक्सोनॉम क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद उसका प्लेस जो हम बोलते हैं है ना अभी याद नहीं मुझे, तो उसका प्लेस कौन सा है तो उसकी डायग्राम तो वो लिखो, उसके बाद कंक्लूजन। तो ऐसा एक पेज पे हमारा अगर आ गया सब मैन एक जगह पे आ गए तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इस टाइम था उसके बाद ये आया उसके बाद इसके ऐसे फीचर्स है, और उसके बाद जो आया तो उसके ऐसे इस फीचर्स में इम्प्रूव हुआ, जो हमारा ये था तो वो सीधा हो गया ये इस टाइम पे तो वो रेड कर दो, तो फिर रिमेम्बरिंग जो हम रट्टा मारते तो रट्टा से अच्छा है ऐसा कुछ बना के जिसको हम मतलब कंसेप्चुअली भी क्लियर कर पाए और फिर अच्छे से हम एग्जाम में भी लिख पाए। मतलब रट्टा क्या हो गया, अगर कोई अगर मैन पूछ लिया गया अंदर तक पूछ लिया और हमारे होमो हैबिलिस की फीचर्स जो है वो रट्टा है और हमको लग गया ये तो होगा ये तो नियंडर्स के फीचर है, तो एग्जाम में फीचर तो सब लिख लिए लेकिन हमको पता नहीं कि इसी मैन के हो, तो नियंडरतल का क्वेश्चन है और होमो हैबिलिस के सब फीचर्स लिख गया तो ये होता है रट्टा का। लेकिन नियंडरतल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अगर पता होने चाहिए जैसे छोटा था चेज बड़ी थी या यूरोपियन क्लाइमेट में था माउंटेनस रीजन में तो उसके जो फीचर्स रहेंगे वो, तो अगर हमको कंसेप्चुअली वो पता होगा तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती बाद में, और मतलब पॉइंट वाइज नोट बना लेना सब मैन के तो बाद में आपको कोई भी बड़ी बुक रेफर करने के बाद में जरूरत नहीं पड़ती। सर पेपर टू के जो आपके ट्राइबल के जो क्वेश्चन था उसके अभी सोर्सेस क्या थे? पेपर टू के ट्राइबल के सोर्सेस हाँ पहले तो बस में सर के नोट्स, फिर वो पढ़ लिया, उसके बाद मैंने ब्रेन ड्रेन से जो टॉपिक्स उधर कवर नहीं किए थे, ब्रेन ड्रेन में कुछ कुछ टॉपिक बहुत अच्छे थे जैसे फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है उसमें, तो वो टॉपिक्स हो गए, तो वो उसके बाद जो था जो विलेज स्टडी है उसके लिए फिर मैंने मुनिरत्नम रेड्डी के नोट्स वो फॉलो किए थे, तीन सोर्सेज से ज़्यादातर मैंने फॉलो किया था और इंटरनेट का पेपर टू के लिए ज़्यादा यूज़ किया था, जो प्रॉब्लम्स है हमारे ट्राइबल्स के तो कोई एग्जाम्पल नहीं था एग्जाम्पल जो है इंटरनेट से लिख के फिर हम टेक्स्ट में बना लो वो एग्जाम्पल, वैसे फिर तीनों चारों का मिला के किया था, और माध्यम मसलिन के जो बुक्स है वो एज रेफरेंस ही रखो क्योंकि उनके नोट्स बहुत सारे लोगों ने बनाए मतलब वो बाद में फिर से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। सर वो एंड्रो का फर्स्ट और सेकंड पेपर कैसे लिंक करना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड अगर लिंक करना है तो जो हमारे दिए पीरियड्स हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारा सिलेबस है तो वो लिंक करो एक दूसरे के साथ, तो फिर यूरोपियन साइड और इंडियन साइड से एक ही जगह पे लिख लो उनके जो फीचर्स है, फिर यूरोपियन में कैसे डिफरेंस है इंडिया में कैसे डिफरेंस है, तो ऐसा पेपर बस में उसका लिंक कर सकते हो, और फिर जो ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स है तो उसमें ज़्यादातर हमको इंडिया के प्रॉब्लम से लिखने हैं मतलब इंडिया के एग्जाम्पल से लिखने पेपर टू में, लेकिन पेपर वन में फिर दोनों के एग्जाम्पल सबको लिखें, लिंकेजेस इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि थियोरेटिकल हमको लिंक करना ही ऐसा कुछ नहीं, जो हमारा पेपर टू है वो थोड़ा अलग है पेपर वन से, तो फिर अगर लिंक करना है तो अगर कोई प्रॉब्लम पूछा जाए ट्राइबल का तो हमारा पेपर वन का जो सिलेबस है फैमिली किनशिप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो इन एरिया में प्रॉब्लम लिखो रिलीजन, तो पेपर टू भी हो गया तो पेपर वन का सिलेबस जो है वो पेपर टू का हमने आंसर बना दिया, तो ऐसे आप लिख सकते हो लिंकेजेस जो है। सर भास्कर के सिंप्लीफाइड वो आप बाद में रेफर करो क्योंकि शुरू में जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करके रखो क्योंकि उन्होंने शायद क्वेश्चन आंसर टाइप दिया है ना, हाँ तो फिर उससे शुरू में इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप बाद में जो है उनके जो क्वेश्चन है जो आपको लगेंगे कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं तो पहले वो क्वेश्चन देख लो फिर वो पढ़ो, और बाद में जो फॉर्मेट है उनका तो फॉर्मेट देखो फिर कैसे उन्होंने आंसर्स दिए तो वो फॉर्मेट भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन वो बाद में रखो पहले तो है वो बेसिक्स या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कंप्लीट करके रखो, यूजफुल है वो बुक भी, वो भी आप बाद में रेफर कर सकते हो। सर वो केस स्टडी कहाँ कहाँ यूज करनी है सर जो पेपर में सेकंड पेपर में रहता है एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी?
जैसे रांची में जो ट्राइबल डिसमिसमेंट का था तो मैंने एक दो जगह पे लिखा था उसका, तो कोई इशू नहीं उसका। और यूज करना है तो फिर ऐसे एजुकेशन पे कोई प्रॉब्लम आया तो कोई भी एक ट्राई उठाओ और उनका एजुकेशन का जो प्रॉब्लम रहेगा वो बताओ आप, अगर पता होगा आपको तो। या फिर हेल्थ का अगर कोई जैसे बिल जो ट्राइव है तो वो क्या है, जब तक वो बेड रिटर्न नहीं होते तब तक वो गोलियां वगैरह लेते नहीं, और इतना जो जो प्रैक्टिशनर्स है उनको कंसल्ट नहीं करते, लोकल जो उनका रहेगा मेडिसिन मैन तो उनको कंसल्ट करते, तो ऐसा एग्जाम्पल आप सीधा डाल सकते हो उसमें। जब तक कन्फर्म नहीं होते, मतलब स्टडी अगर कन्फर्म नहीं होता है तब तक ना कोट करो तो उतना ही बेहतर रहता है। लेकिन आप मेंशन कर सकते हो कि ऐसा ऐसा फाइंड हुआ है लेकिन उस पर अभी स्टडी चल रहा है, फर्दर स्टडीज गोइंग ऑन, तो ऐसा आप कोट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर कंफर्म हो जाता है तब कोट करना बेटर रहता है, और इतनी ज़रूरत भी पड़ती नहीं मुझे लगता है एंक्रो में, कि करंट एग्जांपल्स वगैरह जो अभी जो आर्कियोलॉजी में फाइंड हो रहे थे उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही नहीं, लेकिन आप अगर किसी तरह से अगर रिलेट कर पाओगे तो अच्छी बात है, तो कुछ ना कुछ अलग मिलेगा उनको, वैल्यू एडिशन तो मिल ही जाएगा। स्टार्ट तो सिलेबस से करो, सिलेबस पढ़ लो अच्छे से, और फिर अगर आपका, मेरा मानना है कि आपका अगर मेडिकल बैकग्राउंड नहीं रहता है तो पहले जेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स पार्ट अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि हम लोग मतलब डिफिकल्ट नहीं हो पार्ट, लेकिन हमको लगता है कि डिफिकल्ट है, तो एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो पार्ट जो पहले पढ़ लो, उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। या फिर अगर आपको शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, जिससे आपका एंथ्रो में बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो पेपर वन से ही वो करो जेनेटिक्स, उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कुछ पार्ट होगा इवोल्यूशन वगैरह उसके वो लास्ट में रखो, और उसके साथ फिर जो हमारा ये दिया है एजेस हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर अलग अलग सिविलाइजेशन उसका और पेपर टू का साथ में पढ़े करो, क्योंकि हमारा डबल हो जाता है, फिर डबल वर्क जो है वो हो जाएगा, तो उसके साथ साथ में वो दोनों रखो। सिर्फ पेपर टू में तो यूरोपियन जो पार्ट है पेपर टू में काम में नहीं, फिर बाकी जो बचा है वो हमको पेपर टू में सेम ही लिखना है, इतना कोई डिफरेंस नहीं, तो फिर वो दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली करो। फिर उसके बाद पेपर टू में भी शुरू में शायद आपको अगर ट्राइबल इंडिया अगर अच्छा पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा वो आप अच्छा लिख सकते हो उसमें, तो ट्राइबल इंडिया का पहले कवर कर लो, उसके बाद जो है लास्ट में जो इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है पहले 4-5 पॉइंट वो बाद में कवर कर लो। अपने हिसाब से रखो, आपको अगर जो पार्ट इंटरेस्टिंग लगता है वो आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं कि इसी फ्लो में जाना है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह डेवलप भी करना पड़ता है अपने इसमें, क्योंकि हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड अगर रहता है तो ह्यूमैनिटी सब इतना पढ़ते नहीं, फिर शुरू शुरू में थोड़ा टच आने के लिए ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आपको इससे अगर लिखना है तो अभी जगह पे बैठ के डायरेक्ट शुरू हो गए नहीं आपसे, उसके लिए आपको पहले अगर 5-6 ऐसे लिख लिए तो पहले वो प्रोसेस से गए आप कैसे कैसे लिखना है, वो प्रोसेस से जाने के बाद आप ऐसे लिख पाओगे, ब्रेन स्टॉर्म कर पाओगे, तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे जो है टाइम लगता है एनालाइज करने में, तो वो उसके फिर पहले आप प्रैक्टिस कर लो ना कि जो उसको जैसे दे रहेंगे तो उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके रखो। जैसे 2-3 साल पहले कैसे आया था कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें क्या क्या लिखे ना, तो लिखने जैसा बहुत कुछ है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिख सकते है ना, तो उसको हमको डिवाइड करना है कि पावर्स कहाँ कहाँ होती है, किस किस एरियाज में होती है, और फिर विद पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा नहीं कि हमको उसी एंगल में लिखना है, अगर पावर रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही तो क्या होता है, अगर पावर नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या होता है ना, अगर दोनों नहीं रहे तो फिर क्या होता है उस देश में,
तो ऐसा चार एंगल हमने उधर ही कवर कर लिए सर। तो फिर हर एक को फिर वो लिंक करना है, उतना भी लिंक किया तो भी आपका ऐसे बहुत अच्छा आ सकता है। लेकिन जब सिर्फ आप इतना ही लिखोगे कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो एक ही एंगल कवर होगा। तो ट्राई टू हैव कवर मतलब जो अलग अलग एरिया है, जैसे क्लासरूम हो गया तो डेस्टिनी ऑफ क्या है नेशन इन द क्लासरूम, तो वो भी आपको दोनों लिखना है कि किसी नेशन में अगर क्लासरूम मतलब एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है तो उसके डेस्टिनी क्या है, और जिस नेशन में अगर क्लासरूम में अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है उस नेशन की डेस्टिनी क्या है। तो इंटरनेशनल एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो इकोनॉमी है उनकी लेकिन एजुकेशन जो है उन पर फोकस नहीं है इतना, तो उनकी डेस्टिनी क्या है या फिर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अभी, और हमारा देश रहेगा या फिर वेस्टर्न कंट्रीज रहेगी तो उनके एजुकेशन सिस्टम कैसे है और उनकी कंट्रीज कैसे डेवलप हो रही है, तो ऐसा दोनों को एंगल में कवर करो। और जो बेसिक पॉइंट्स है वो तो सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बताते हैं कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है मतलब पूरे ब्लैंक हो गए हो आप ऐसे के टॉपिक देख के, तो ये टॉपिक पहले याद करो, ये चीज़ें जो है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये चीज़ें एक बार इधर एक साइड लिख लो, दूसरे साइड अपने जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के तो वो लिख लो, वुमेन चिल्ड्रेन ओल्ड एज स्पेशली एबल्ड और कुछ कुछ जो रहेंगे एस सी एस टीज तो वो सेक्शंस वो लिख लो, तो फिर आप कवर कर पाओगे कि हिस्टोरिकल अगर फैक्टर्स रहेंगे तो आप एस सी एस टीज को कवर मतलब ये करो, वुमेन को आप ये का लिंक कर सकते हो, इकोनॉमिक रहेगा तो इकोनॉमिक में वुमेन रहेगा, और जो एस सी एस टीज है तो उनको करो, ओल्ड एज का इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम आता है तो वो लिखो, एजुकेशन का रहेगा तो एजुकेशन में चिल्ड्रन के साथ लिंक करो, हाँ तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है मतलब दो हमने ले लिए उसके साथ फिर वो जो ऐसे की जो डिमांड है तो उसमें आप मिक्सअप करते रहो बीच बीच में, तो एंगल्स भी ज़्यादा कवर हो जाते हैं, वाइड एंगल मतलब जो मतलब ब्रॉडर व्यू जो होता है तो वो भी आपका कवर हो जाता है, और ऐसे की डिमांड है तो वो भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि सब उस पर लिख रहे हो सोशल इकोनॉमी की लिखा और ऐसे पूछा है वो अलग ही पूछा है, तो ऐसे भी जो उनकी डिमांड है तो वो उसके साथ उसको लिंक करना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। उसके लिए क्या करना है कि पहले तो हमारा सिलेक्शन मैंने पहले भी बताया था एक जगह पे कि पहले तो आपको सिलेक्ट करना है टॉपिक, क्योंकि चूजिंग द बेस्ट टॉपिक गिव्स द बेस्ट मार्क, क्योंकि अगर आपने ऑर्डिनरी टॉपिक चूज कर लिया जिसको आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे तो शायद आप अच्छा लिख पाओगे ऐसे, है ना। तो इसीलिए इसके लिए फिर आपको तीन एरिया देखने पड़ते हैं, एक तो आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अगर इनफ नॉलेज नहीं रहा तो फिर आपका ऐसे मतलब कन्फर्मली उधर ही आपके मार्क्स कम हो गए। जैसे मैंने प्रैक्टिस में जब मैं यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट दे रहा था तो सॉफ्ट पावर पे ऐसे लिखा था, लेकिन सॉफ्ट पावर के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं रहा था मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे क्या लगा सॉफ्ट पावर का कि हमारी कंट्री जो है डेथ पेनल्टी बहुत कम देती है, और डेथ पेनल्टी भी कम देती है और उसके बाद जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है तो लगभग होता ही नहीं, तो ऐसे मैंने सॉफ्ट पावर लिया कि हार्डली हम जो है वो मतलब हार्ड स्टांस ले लेते, लेकिन सॉफ्ट पावर किससे रिलेटेड है डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन से, है ना। फिर मुझे मेरा उसमें नॉलेज जीरो था लेकिन मैंने फिर भी वो अटेम्प्ट किया, फिर मार्क्स मुझे आए 22 मार्क्स, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो गलत हो गया था। तो पहले तो हमको नॉलेज देखना है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमको अगर न्यूक्लियर पावर पे कोई ऐसे लिखा लिखने दिया जाए न्यूक्लियर पावर पे हमको नॉलेज होगा, लेकिन अगर हमको अगर हमने स्टांस ले लिया कि अगर कोई वॉरलाइक सिचुएशन होती तो न्यूक्लियर अटैक कर दो तो इज इट अ फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसके लिए फिर अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी रहनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। और तीसरा है प्रेजेंटेशन, अगर आपको सब पता है उसके बारे में लेकिन हम वो टॉपिक अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो वो टॉपिक भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए कि हम अच्छे एरिया में डिवाइड नहीं कर पा रहे तो वो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इन तीन चीज़ों में अगर आप अच्छे से वो टॉपिक लिख पा सकते हो सब चारों में से तो वो वैसा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, तो एक बार वो सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको फिर बाकी जो है 10-12 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करना है, जो जितना भी याद आए उस टॉपिक के बारे में उतना मतलब पेपर पर लिख लो और उसके बाद प्रायोरिटाइज करो, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं मेंशन करना, प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद फिर जो है हमारा ऐसे लिखना शुरू करो। उससे पहले क्या करो कि ऐसे कोई क्वेश्चन करो फ्लो मेंटेन रहने के लिए, फॉर एग्जाम्पल न्यू वुमन पे जो ऐसे था तो पहले से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज न्यू वुमन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर अगर आपको मिथ लगता है तो मिथ क्यों है, जो फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ न्यू वुमन इज मिथ ऐसा क्वेश्चन था कुछ तो भी, तो व्हाई इज इट अ मिथ अगर आपको लगता है तो वो मिथ लिखो। फिर दूसरा एंगल भी कवर करना है कि अगर हाँ क्योंकि हमने को पूछा रहा था कि कोई मतलब कोई तो लोग होंगे तो उनको रियलिटी लगती है तो उसके भी रीजन लिखने आपको, क्योंकि ऐसा इन इन चीज़ों से रियलिटी लग रही है, इन इन चीज़ों से मिथ लग रहा है तो वो लिखो, उसके बाद फिर प्रॉपर जो कंक्लूजन उसके बाद कंक्लूजन पे आना है, तो ऐसे आपका ऐसे का फ्लो रहता है, नहीं तो आप इधर उधर जंप कर रहे हो
तो वो भी मतलब आपको कम मार्क्स दे सकता है। और आप जब टॉपिक्स लिंक करते हो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो वो पैराग्राफ में भी आप लिख करो कि हैविंग डिस्कस सोशल इश्यूज नाउ वी विल मूव ऑन टू इकोनॉमिक। और ऐसा भी लिख सकते हो कि सोशल इश्यूज जो है सोशल प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक प्रोसेस। तो ऐसे लिंकिंग लाइंस है, वो लिंकेजेस आप लिखो उसमें।